किस गुर्जर प्रतिहार शासक को प्रतिहारों में पितृहंता कहा जाता है? पितृहंता किस शासक को कहा जाता है? पितृहंता का अर्थ क्या होता है? पितृ यानी कि पिता और हंता यानी हरण करने वाला, ओके, पिता का हरण करने वाला। तो पिता का हरण यानी कि पिता की मृत्यु किस शासक के हाथों हुई थी? अपने ही पिता की मृत्यु। तो इसमें देखते हैं, ये हमारे ऑप्शन है, पहला है रामभद्र, यहाँ पे रामभद्र। बी ऑप्शन है मिहिरभोज प्रथम। सी है नागभट प्रथम। सी डी है भोजदित्य। तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, मिहिरभोज। मिहिरभोज के द्वारा अपने पिता के मिहिरभोज के हाथों ही अपने पिता की मृत्यु हुई थी। मिहिरभोज ने गद्दी को पाने के लिए अपने पिता रामभद्र की हत्या की थी, ओके। तो जो मिहिरभोज है इसे क्या कहा जाता है? गुज्जर प्रतिहार वंश में पितृहंता भी कहा जाता है। और जो मिहिरभोज है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है गुज्जर प्रतिहार शासकों में। तो मिहिरभोज को आपको इंपॉर्टेंट यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मिहिरभोज से एक या दो क्वेश्चन तो अवश्य ही पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर। तो जो मिहिरभोज है उसे क्या बोला जाता है? पितृहंता कहा जाता है। तो हम मिहिरभोज के जो इंपॉर्टेंट कुछ बातें हैं वो हम देखते हैं। पहला ये कि जो मिहिरभोज है वो प्रतिहार शासकों में बहुत ही प्रतापी, साहसी और वीर शासक हुआ है, योग्य शासक था। जो मिहिरभोज है इसका समयकाल भी अन्य शासकों से बहुत ही अधिक था। तो इसका समयकाल क्या था? मिहिरभोज प्रथम की बात चल रही है, ओके। तो इसका समय काल क्या था? 836 ईस्वी से लेके 885 ईस्वी तक। तो आप देख सकते हो ना कितना ज्यादा समय काल है, यानी कि लगभग आधी शताब्दी तक इन्होंने शासन किया है अपने काल के अंदर। 49-50 ईस्वी हो गई होगी ना, यानी कि आधी शताब्दी तक इन्होंने शासन किया था। गुज्जर प्रतिहार शासकों में अन्य शासकों से सबसे ज्यादा जो काल रहा है वो किसका था? मिहिरभोज का था। और मिहिरभोज के पिता कौन थे? मिहिरभोज के पिता थे रामभद्र। रामभद्र इनका जो शासनकाल था वो कम ही था, इनका शासनकाल ओनली 3 ईस्वी तक था, 833 ईस्वी से लेके 836 ईस्वी तक रहा है। तो इनका शासनकाल क्या है? इन्होंने ज़्यादा समय तक शासन नहीं किया था। और इनकी जो मृत्यु है, रामभद्र की मृत्यु किसके हाथ हुई थी? अपने ही पुत्र मिहिरभोज प्रथम के हाथ हुई थी। इसलिए मिहिरभोज को क्या कहा जाता है? पितृहंता भी कहा जाता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना है। पितृहंता किसे कहा जाता है? मिहिरभोज प्रथम को कहा जाता है। फिर इनके पिता हो गए रामभद्र और इनकी माता का नाम था अप्पा देवी। अप्पा देवी मिहिरभोज है वो रामभद्र और अप्पा देवी के पुत्र थे। फिर मिहिरभोज का विवाह है, विवाह देखते हैं। तो मिहिरभोज का जो विवाह है वो भाटी वंश के अंदर हुआ था, ये भी इंपॉर्टेंट है। मिहिरभोज का विवाह किसमें हुआ था? भाटी वंश के अंदर हुआ था। और इनकी रानी का नाम था चंद्र भट्टारिका, भट्टारिका कौन थी? इनकी रानी थी, मिहिरभोज की रानी थी चंद्र भट्टारिका, जो भाटी वंश की राजकुमारी थी। और चंद्र भट्टारिका के साथ मिहिरभोज प्रथम का विवाह हुआ था, यानी कि ये भी इंपॉर्टेंट है। मिहिरभोज का जो विवाह है वो किस वंश में हुआ था? भाटी वंश के अंदर हुआ था, ओके गाइस। और जो मिहिरभोज है वो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कि जो भी गुज्जर प्रतिहार शासक थे वो भगवान विष्णु और भगवान सूर्य को उपासक थे। तो जो गुज्जर प्रतिहार शासक थे इन्होंने अपने अपने काल के अंदर कई भवनों और मंदिरों का भी निर्माण करवाया था। और सबसे अधिक जो मंदिरों का निर्माण करवाया गया था वो भगवान विष्णु के मंदिर थे। तो जो मिहिरभोज थे इन्होंने भी अपने शासनकाल के अंदर भगवान विष्णु के मंदिर का निर्माण करवाया था। और इसी वजह से मिहिरभोज को उपाधियाँ भी दी गई थी। तो इनकी उपाधि कौन कौन सी है? आदिवराह की उपाधि, आदिवराह की उपाधि और प्रभास पाटन, ये मिहिरभोज की उपाधियां हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, यानी कि मिहिरभोज से संबंधित जो भी पॉइंट्स मैं आपको बता रही हूँ वो सारे ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मिहिरभोज को लेके कोई ना कोई क्वेश्चन तो एग्जाम में अवश्य ही पूछा जाता है। तो मिहिरभोज को कौन कौन सी उपाधियां दी गई थी? आदिवराह की उपाधि और प्रभास पाटन की उपाधि दी गई थी। मिहिरभोज है वो बहुत ही प्रतापी और महान शासक हुए हैं अपने शासनकाल के। तो इनका समयकाल भी कितना था? लगभग 49 या 50 ईस्वी तक था।
836 ईस्वी से लेकर 885 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया था। इनकी रानी का नाम था चंद्रभट्टारिका, इनके पिता थे रामभद्र और माता थी अप्पा देवी। तो फिर और जो मिहिर बोझ है, इनकी योग्यता तथा इनकी जानकारी के बारे में हमें कहाँ से मिलता है इनकी जानकारी, हमें इनकी जानकारी हमें ग्वालियर ग्वालियर लेक से मिलती है। मिहिर बोझ के बारे में जानकारी हमें ग्वालियर लेक से मिलती है और इसके लेखक कौन है, हरिशेन, सॉरी वाग्य भट्ट इसके लेखक, वाग्य भट्ट हरिशेन का लेख ग्वालियर लेक, इसके रचयिता कौन है, वाग्य भट्ट। इसमें कुल 17 लेख है जिसमें किसकी जानकारी दी गई है, मिहिर बोझ के बारे में हमें जानकारी मिलती है किसमें, ग्वालियर लेक के अंदर, जिसके रचयिता है वाग्य भट्ट। और जो अभी हरिशेन था वो ग्वालियर लेक का नहीं है, वो किसका है वो हम आगे देखेंगे। ओके गाइस, तो मिहिर बोझ इसका शासनकाल था 836 ईस्वी से 885 ईस्वी तक, और इसे पितृहंता भी कहा जाता है क्योंकि इसने अपने पिता रामभद्र की हत्या की थी। ओके, और फिर इसने गद्दी धारण की थी, और इनके पिता कौन है, रामभद्र, माता का नाम है अप्पा देवी। फिर इनका विवाह हुआ था भाटी वंश के अंदर, इनकी रानी का नाम था चंद्र भट्टारिका, और इनको कौन कौन सी उपाधियाँ दी गई थी, आदिवराय तथा प्रभास पाटन की उपाधियों से विभूषित किया गया था। और इनके बारे में जो जानकारी है वो हमें कहाँ से मिलती है, ग्वालियर लेख से मिलती है। ग्वालियर लेख के रचयिता है वाग्य भट्ट, जिसमें 17 लेख है। इस ग्वालियर लेख के अंदर हमें मिहिर बोझ की संपूर्ण जानकारी मिलती है।